महातीर्थ गुरुराज श्री आचार्य विद्यासागर महाराज जी की। भारत देश में त्रिवेणी संगम का एक बहुत बड़ा महत्व है। जहां तीन संगम एक हो जाते हैं वहां ऐसी पवित्रता प्रकट होती है कि जो कुछ भी उसमें डुबकी लगवाता है वह समस्त मनोरथों को पूर्ण कर लेता है। आज संत राष्ट्र समाज ये तीनों त्रिवेणी संगम उस कुंडलपुर के बड़े बाबा के बीच में। जब राजनीति या राष्ट्र नेता किसी संत के समक्ष आकर के अपनी राजनीति को संस्कारित करता है तो समझ लेना चाहिए भारतीय संस्कृति विश्व में सर्वोच्च स्थान प्राप्त स्वतः ही कर ले। दुनिया के पास राजनीति है लेकिन धर्म नीति नहीं। भारतीय राजनीति सदा से संतों और साधु संतों के प्रति समर्पित रही है। पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज इस युग के लोग ने महावीर का अवतार कहते हैं। जब आचार्य महाराज की चर्या देखते हैं तो महावीर के अवतार दिखते हैं, लेकिन जब पूज्यवर के विचारों को देखते हैं तब साक्षात ऋषभ देव के अवतार प्रतीत होते हैं। चर्या में महावीर स्वामी की वह करुणा जियो और जीने दो की भरी हुई है, विचारों में वह क्रांति जो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव ने इस देश के लिए दी थी, धर्म का प्रवर्तन करने के लिए अवतरित हुए थे। लेकिन राष्ट्र को देश को उन्होंने देखा तो उन्होंने धर्म उपदेश देने के पहले षट कर्म की व्यवस्था बनाई। ऋषभ देव का सोच था कि मंदिर कितने ही पवित्र किए जाएं, लेकिन मंदिर में जाने वाले रास्ते यदि गंदे होंगे तो मंदिर अधिक समय तक पवित्र नहीं रख पाएंगे। जब पूज्य गुरुदेव की विचारधारा को देखा, ठीक ऋषभ देव की विचारधारा गुरुदेव के मन में है कि हम धर्म और धर्म आयतनों को कितना भी ऊंचा उठाने का प्रयास करें, कितना भी पवित्र रखें, लेकिन राष्ट्र और देश की स्थितियां यदि गंदी बनी रहेंगी तो ये मंदिर और धर्म के आयतन ज्यादा देर तक पवित्र नहीं रह सकेंगे, क्योंकि इनके रास्ते राष्ट्र में से समाज के बीच में से ही आते हैं। और आज राष्ट्रीय चेतना के रूप में भगवान महावीर स्वामी के बाद प्रथम आचार्य महाराज हैं जिन्होंने राष्ट्र को समाज को एक ऐसी चेतना दी, ऐसा रूप दिया जिस रूप को आप देख रहे हैं। आज कुंडलपुर के बड़े बाबा का रूप आपने तो अपनी सारी बातें बता ही दी, आप इतना ही अतिशय मान लीजिए पूज्य गुरुदेव का कि बड़े बाबा का मंदिर जब भगवान को उठना था तो आप यहाँ थे और आपने जो कुछ किया वो आपने खुद बखान किया। और आपके इस साहस को पूज्य गुरुदेव सदा कई बार कहते हैं कि शिवराज का साहस साहस था। लेकिन ये सोचें, आचार्य महाराज की इच्छा शक्ति, आचार्य महाराज का सोच, भगवान बड़े बाबा को स्थानांतरित नहीं किया, भगवान बड़े बाबा को उच्चासन नहीं दिया, सारे राष्ट्र को ऊंचा उठाया है। दिगंबर जैन समाज का मस्तक ऊंचा उठाया है। और इसका सबसे बड़ा चमत्कार देखिए, बुंदेलखंड में एक कहावत है, आप बुंदेलखंडी बहुत अच्छी जानते, अभी मैं सुन रहा था, दिल्ली के भाग्य से छींका टूट जाता है। जनता ने आपको देश की गद्दी से हटा दिया था लेकिन बड़े बाबा ने बीच में बुला लिया। और आचार्य सिंह ने कई बार कहा, देखो बड़े बाबा का चमत्कार,
जिनकी अथक परिश्रम और मेहनत से, भावना से, समर्पण से बड़े बाबा उच्चासन पर बैठे थे, आज बड़े बाबा के महोत्सव पर उन्हीं को किसी भी तरीके से सही, सरकार को बीच में कैसे भी प्रस्ताव लाके सही, लेकिन पुनः उन्हीं जिन्होंने सच्चे मन से बड़े बाबा को समर्पण किया था, उनको पुनः मुख्यमंत्री बनाकर और आज आप गुरुदेव के चरणों में बैठे हुए। आचार्य महाराज की सोच और विचार को यदि सारा राष्ट्र स्वीकार कर ले, सारा राष्ट्र यदि इस पर विचार कर ले, तो आपको ये धार्मिक संत के साथ साथ एक देश के बहुत बड़े राष्ट्रीय सर्वोदय नेता के रूप में आपको छवि मिलेगी। महाराज का अंतरंग सोच आत्म कल्याण है, लेकिन वो जगत के उन कल्याणकारी बातों के लिए मुख्य स्थान देना चाहते हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से चले आए। कुंडलपुर के बड़े बाबा एक कोई जैन धर्म का ही आयतन नहीं है, एक राष्ट्रीय नहीं, एक अंतरराष्ट्रीय संस्कृति बन चुकी। आज जिसके कारण आपने भी बड़े बाबा का दर्शन किया और आप इतने आनंद से भर गए, आप ये सोचें अपन लोग तो आज देखकर आनंद से भर रहे हैं, पूज्य गुरुदेव ने तो उसी दिन आनंद ले लिया था जिस दिन बड़े बाबा को उच्चासन देने का भाव किया। सारी दुनिया मूर्ति बनने के बाद मूर्ति का आनंद लेती है, लेकिन शिल्पी मूर्ति बनने के पहले मूर्ति को देख लेता है और आनंद ले लेता है। और गुरुदेव का अतिशय आज पंचकल्याणक महोत्सव विश्व का ऐतिहासिक, जैनियों का एक महाकुंभ, उम्र तो बहुत बनाए होंगे और आपके बहुत कुंभों में गए होंगे चौहान जी, लेकिन एक हफ्ते के अंदर महाकुंभ हो सकता है, ये विश्व के इतिहास का पहला महाकुंभ। आप भी बहुत सारे कुंभों की तैयारियां करते हैं, महीनों तक करते, आपने कई मंत्रियों को पूज्यवर के चरणों में भेजा, लेकिन पूज्यवर एक हफ्ते के अंदर सब लोगों के मन में विकल्प था, लेकिन आप आज देखिए महीनों व्यवस्थाएं करते तो शायद फैल हो जाती, आज 5-6 दिन हो गए, पूरे चारों तरफ एक आनंद की आनंद लहर है, ना कोई बीमारी है, ना सर्दी है, ना जुकाम। और आज जो स्थिति बनी, वस्तुतः सारे विश्व के लिए गुरुओं के वचनों पर, गुरुओं के सोच पर एक ऐसा अकाट विश्वास होना चाहिए कि उनके मुख से जो निकल जाता है वह उतना ही सत्य है जितना सूर्य में प्रकाश सत्य है, क्योंकि उनका सोच अपने समस्त प्रकार के स्वार्थों से परे जनहित के, राष्ट्रहित के रूप में रहता है। समस्त कार्यकर्ताओं ने, समस्त समाज की अनुमोदनाओं ने जो अथक परिश्रम गुरु के वचनों पर श्रद्धान किया है, उसका फल आज सारा जगत देख रहा है। जहां इस पवित्रता की बात आपने कही, पूज्य गुरुदेव के चरणों में आप एक ऐसा कुछ नया संकल्प करें, पवित्रता इस पहाड़ के, इस 500-700 बीघा के, 100-200 किलोमीटर के स्थान को आप ऐसा कुछ करें कि पशुओं का अभयारण्य घोषित हो जाए। पवित्रता जब ही रह सकती है जब इसको एक अभयारण्य का रूप दे करके, और हमारे पूज्य गुरुदेव का सबसे बड़ा महत्व है गौ माता, गौ वंश। बहुत बहुत बार कहते हैं गाय को जीवित करो, कल हम लोग सामान्य रूप से चर्चा, आज प्रातः काल ही पूज्य गुरुदेव ने भगवान के आहार दान पर 23 तीर्थंकरों के क्षीरान्न के ऊपर कहा, सब देव को छोड़कर सभी तीर्थंकरों ने क्षीरान्न के द्वारा अपने उपवास की पालना की, यानी तीर्थंकरों ने भी ये साबित कर दिया कि दुनिया में यदि दूध जीवित रहेगा तो दुनिया जीवित रहेगी। उसके लिए यह पूरा बड़े बाबा कुंडलपुर का 100-150 बीघा का क्षेत्र अभयारण्य के रूप में विकसित किया जाए और चारों तरफ से बाउंड्री से बंद करके पशुओं का खुला बिछड़न हो, गायों का खुला बिछड़न हो। यदि ये आपकी सीमा में, आपके दायरे में, आपके कानून में आता है तो पूज्य गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद लेकर गुरुदेव की एक पवित्र भावना को
एक बहुत बड़ा रूप मिलेगा कि बड़े बाबा जब से जहां तक उनकी दृष्टि उड़ी वहां सब पशु खुले रूप में विचरण कर रहे हैं, और बाकी के लिए सब के लिए बहुत सरकार ने जो कुछ भी किया आप सारी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इतिहास बन गया। दिगंबर जैन समाज और ये बड़े बाबा का जो मंदिर है ये एक भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा गौरव बना है, जो धर्म के ही नहीं जो एक संस्कृति के रूप में आएंगे। एक बात कह करके मैं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जितने बैठ जाते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उनका दर्शन उनका एक एक वचन सर्वज्ञ का वचन माना जाता है उनकी वाणी को, बस इतना ही सारा है कि जब कोई संस्कृति बनती है तो वह संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा रूप हमारे लिए प्रदान करना पड़ता है। आज जो कुछ भी हमारे सामने है वह एक बहुत बड़ा रूप है सबके लिए, मेरे लिए बहुत बहुत। आज गुरुदेव ने जिस प्रकार महातीर्थ कुंडलपुर को बनाया है, हम जे जगत के आराध्य हैं और इनके आराध्य हैं कुंडलपुर के बड़े बाबा। मैं तो अपने आराध्य को ही नमस्कार करता हूं, और आराध्य जिनको नमस्कार करते हैं आराध्य जिनकी आस्था है उनके चरणों में मेरा भी बार बार नमस्कार।